Press the bell icon of the e-Pathshala channel and never miss another update. आपको लग रहा होगा कि सेवन पार्ट कैसे बन गया दोस्तों, तो सही मायने में मैं आपको सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए इन वीडियोस को पार्ट्स में बनाया जा रहा है ताकि आप हर पार्ट को बहुत आसानी से समझ सकें। तो इस वीडियो के अंदर अब हम जानेंगे विद्या और संस्कृति के बारे में, जिसे आप इंग्लिश में लर्निंग एंड कल्चर समझते हैं। दोस्तों जब इस्लामिक जगत का या मुसलमान के जगत का लोगों का, यानी कि पैगंबर मोहम्मद की विचारधारा और मुसलमान के लोगों के साथ जब इनका रिलीजन भिड़ा या इनको सोशल एक्सपीरियंस होना चालू हुआ, तो इस्लामिक कम्युनिटी के लोगों ने अपनी सोच विचार के दायरे को और बढ़ाया। तो फाइनली इसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करें कि जब मुसलमान के लोगों का कल्चर दूसरे कल्चर के साथ इंटरफेरेंस हुआ, तो इन्हें समझ में आया कि इनका जो ईश्वर है, इनका जो अल्लाह है दोस्तों, ईश्वर, ये ईश्वर को ही अल्लाह बोलते हैं, और ईश्वर जो है दोस्तों इनका, वो कैसा दिखेगा या कैसा होगा या संसार में उसको कैसे जोड़ा जाएगा, यानी कि एक मुसलमान का आचरण लोगों के सामने कैसा होना चाहिए, अकेले कैसा होना चाहिए, किसी व्यक्ति के सामने कैसा होना चाहिए, किसी जीव के सामने कैसा होना चाहिए, या ये समझा जाए कि एक विद्वान मुस्लिम जो होता है वो कैसा दिखना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों समाज के अंदर आने चालू हो गए। और आप सभी को बताएं कि इस्लाम धर्म को बनाने के लिए जो उलमा कम्युनिटी थी, उसने ही इस्लाम जगत को आगे बढ़ाया, तो इसीलिए इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो गए। तो इसीलिए इन लोगों ने उस टाइम पीरियड पे कुरान एक ऐसा तरीका था जिससे पूरी तरीके से पैगंबर मोहम्मद के जितने भी आदर्श थे, उनके विश्वास थे, या विश्व को किस तरीके से चलाया जाना चाहिए, मिडीवल टाइम पीरियड पे इस उलमा कम्युनिटी ने पूरी तरीके से कुरान को लिखना शुरुआत करा या कुरान को री एडिट करा, साथ में कुरान के अंदर जो पैगंबर मोहम्मद की सोच थे, विचार थी, उनको साथ में इन लोगों ने इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करी कुरान के अंदर, और साथ में इन कुरान के अंदर उन सभी इबादत की चीज़ों को, जो कर्म कांड सिंपल शब्दों में बोले जाते हैं, कि कैसा सिस्टम होगा ईश्वर के साथ मुसलमान का, जो कंट्रोल होगा वो कैसा होगा, या ईश्वर उनके बारे में कैसे सोचेगा, या मतलब एक सिंपल सा तरीका बनाया जाएगा, एक कानून, एक इस्लामिक लॉ बनाया जाएगा, और उस इस्लामिक लॉ को इन्होंने शारिया का नाम दिया। दोस्तों शारिया कुरान के थ्रू बनाया गया एक ऐसा इस्लामिक लॉ है जिसमें सभी लोग, चाहे वो इराक़ का हो, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो कहीं के भी इलाके का हो जहाँ पे इस्लाम धर्म को माना जाता हो, तो वो इस्लामिक कानून के अकॉर्डिंग शारिया कानून को मानेगा। और शारिया कानून का मतलब होता है सीधा रास्ता। सीधा रास्ता दोस्तों इसका मतलब होता है, आप सिंपल शब्दों में जान ही गए होंगे। तो यहाँ पे इन लोगों ने इस शारिया कानून के अकॉर्डिंग उन सभी हिस्सों को इसमें एडिट करने की या इसमें डालने की कोशिश करी, जिससे ये समझा जा सकता है कि सुन्नी मुसलमान जो है, जो पूरी तरीके से समझता है कि समाज के अंदर क्या कानूनी मुद्दे होने चाहिए, उन सभी को डायरेक्शन देने के लिए शारिया कानून बनाया गया। तो सिंपल शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा शारिया कानून क्यों बनाया गया था, और कुरान के अंदर शुरुआती समय में उन बातों को इम्पोर्टेंस क्यों दी होगी। जैसे हिंदुज़म के अंदर आज हम गीता को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानते हैं, मुसलमान के अंदर कुरान को इम्पॉर्टेंट मानते हैं, होली बुक माना जाता है, साथ में अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वो बाइबल्स को इम्पॉर्टेंट समझते हैं, इसीलिए दोस्तों सभी पूरे इस्लाम धर्म के लोग कुरान को सबसे इम्पॉर्टेंट समझते हैं। कुरान की बातों को मद्देनज़र रखते हुए शारिया कानून बनाए गए थे। शारिया कानून के अंदर सारी बातें सच नहीं थी, किन्हीं चीज़ों को डाला गया था, शुरुआती समय में बना था, तो इसीलिए ऐसा बोला जा सकता है कि सब कुछ शारिया कानून के अंदर नहीं था। इसीलिए इन सभी मुद्दों को एडिट करने के लिए, अलग अलग डिफरेंट बातों को डालने के लिए 8वीं और 9वीं शताब्दी के अंदर कानूनों की व्याख्या करी गई। कानूनों की व्याख्या करने के लिए 4 स्कूल बनाए गए अलग अलग, जो शारिया कानून की हर शाखाओं पे पूरा फोकस करेगा, जिसका नाम, पहले का नाम मालिकी है, आप देख सकते हैं, दूसरे का नाम आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे हमारे, दूसरे का नाम मालिकी के साथ हनीफ, आप सिंपल शब्दों में जान सकते हैं, दूसरे का नाम हनीफ है,
और तीसरे का नाम है सैफाई, आप देख सकते हैं। चौथे का नाम दोस्तों हनबाली। दोस्तों ये अलग अलग स्कूल हैं जो शारिया कानून के ऊपर काम करते हैं, और इनमें सबसे लास्ट वाला जो हनबाली है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फीलिंग रखने वाला है। वो ये बताने की कोशिश करता है कि समाज में कैसे किसी मतलब जो शारिया कानून के अकॉर्डिंग कैसे रीति रिवाज होगा, या मुस्लिम कैटेगरी के लोग जो पॉलिटिकल या सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे, तो कैसे राज्य के अंदर कोई कानून लाया जाएगा, स्टेट के अंदर कोई लॉ लाया जाएगा, तो कैसे मतलब ये सब होगा। और साथ में इन लोगों ने बहुत से, मैं प्रोज एंड कॉन्स भी बोल सकता हूँ, किताबों के अंदर इतना डीपली नहीं दिया गया हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूरी तरीके से शारिया कानून की कहीं ना कहीं निंदा भी करी गई थी कि उन्होंने प्रॉपर्टी के कानून में कभी भी वुमेंस को अधिकार नहीं दिया, प्रॉपर्टी के या वोटिंग सिस्टम में कभी वुमेंस को अधिकार नहीं दिया था शुरुआती समय में, है ना। तो यहाँ से इस कैटेगरी की वजह से एक नया धर्म निकल के आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले कुरान के बारे में समझते हैं। कुरान एक अरबी पुस्तक है जो 114 अध्यायों को कवर करती है। साथ में दोस्तों इसमें मुसलमानों की परंपराओं के बारे में ज़्यादा अच्छा बताया हुआ है। इसमें बताया गया है कि 1610 AD से लेकर 1632 AD में जो पैगंबर मोहम्मद ने मैसेज भेजे थे उन सब के बारे में बताया हुआ है। साथ में 625 ईस्वी तक आते आते इसको काफ़ी हद तक एडिट कर दिया गया था। लेकिन कुरान को दोस्तों बाद में 9वीं शताब्दी के अंदर पूरी तरीके से सही बनाया गया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस समय पे किताबों पे नहीं थी, सिक्कों पे थी, पेजेस पे थी। लेकिन जब कुरान की लैंग्वेज को लिखा गया, दोबारा री एडिट करा गया, तो फाइनली कुरान को 9वीं शताब्दी के अंदर सही तरीके से दोबारा उसे बनाया गया था, ठीक है ना। ये आप समझ सकते हैं। और दोस्तों अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सूफिज़्म जो है नया धर्म निकल के आया। दोस्तों ये मानता तो ईश्वर अल्लाह को ही था, लेकिन इसने ईश्वर और अल्लाह को मानने के लिए एक अलग तरीका अपनाया। जैसे ईश्वर और अल्लाह को बनाने के लिए इस्लामिक लॉ बनाया गया था इस्लामिक कंट्रियों के द्वारा, उसी के अंदर से सूफिज़्म एक अलग पार्ट निकल के आया। जैसे आप ये देखते हैं हमारे भारत के अंदर हिंदुज़म धर्म तो है, लेकिन कुछ ऐसे हिंदुज़म लोग हैं जैसे कि मीराबाई है और साथ में कबीर हैं, जिसने हिंदुज़म को भी कहीं ना कहीं अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करी थी। ऐसे सूफिज़म लोग भी ऐसे ही थे जिन्होंने ये समझा कि ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर की पूजा करना सही है। लेकिन दोस्तों इन्होंने ये बताया कि हमें जो कर्म कांड बताए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। अगर आपको भगवान को पूजना है तो आपको पर्सनली ज्ञान होना चाहिए, या पर्सनली आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपको डीपर एंड डीपर पर्सनल नॉलेज होनी चाहिए। और इन्होंने उस समय पे अपने पूरी तरीके से प्लेजर्स को और साथ में बोलने की कोशिश करी कि हमें अपने सभी संसाधनों को छोड़ना होगा अगर हमें भगवान को मानना है या हमें प्राप्त करना है। जैसे आजकल आप देखते हैं हमारी कंट्री के अंदर बहुत से ऐसे साधु लोग होते हैं जो अलग ही दुनिया के अंदर रहते हैं, पर वो भगवान को मानते हैं, है ना। तो सूफिज़्म लोगों का यही कहना था कि हमें दुनिया त्याग देनी चाहिए, अकेले भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। तो ये सब का एग्ज़ाम्पल कहीं ना कहीं देखने को मिलता भी है हमें, जैसे कि हमें एक देखने को मिलता है महिला, एक बसरा, बसरा नाम है बसरा दराबिया, बसरा दराबिया एक महिला है जिन्होंने बताया कि अपनी कविताओं के अंदर कि कैसे वो अकेले घूम घूम के बताती थी कि इस्लामिक मतलब सूफिज़्म के अकॉर्डिंग कि भगवान क्या है। और साथ में दूसरे एक और व्यक्ति थे दोस्तों जो आप देखते हैं बायजदी बिस्तमानी, मैं इनका नाम अगर नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मैं सॉरी मांगता हूँ, लेकिन इन्होंने भी बताया कि ही वॉज द फर्स्ट टू टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ सब मर्जिंग द सेल्फ इन अ गॉड। ये पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को भगवान में डूबने वाला व्यक्ति बताया था, है ना। तो सूफिज़्म की शुरुआत करने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थे जिन्हें आप पूरी तरीके से दुनिनिंद बोलते हैं, दुनिनिंद इनका पूरा नाम है। इनकी आज भी कब्र जो है पूरी तरीके से देखने को मिलती है। दुनिनिंद जो है सूफिज़्म को फैलाने के लिए एक अहम व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने रूढ़िवाद इस्लाम को चुनौती दी। उन्होंने बताया कि अगर इस्लाम धर्म है तो इस्लाम धर्म हमें पाबंदियाँ क्यों देता है, इस्लाम धर्म हमें पढ़ने से मनाई क्यों करता है, इस्लाम धर्म राइट टू वुमेन वोट क्यों नहीं करता है, ये सब चीज़ें है ना। तो इसीलिए इस्लाम धर्म की बुराई करते हुए एक सूफिज़्म एक अलग पार्ट बना जिसमें यह बताया गया कि सभी सूफिज़्म इज ओपन टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस एफिलिएशन स्टेटस ऑफ जेंडर।
इसमें बताया कि सूफिज़्म को जो अपनाना चाहता है वो बिल्कुल आराम से अपना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे इस वजह से नया धर्म सूफिज़्म बना था। साथ में इतने लंबे टाइम पीरियड तक आप देखेंगे इस्लाम धर्म को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रूपों में देखा, क्योंकि इस्लाम धर्म इतना बड़ा था। तो जब हमारे पास इस्लामिक फ़िलासफ़र्स आए थे, साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने ग्रीक फ़िलासफ़र्स को पढ़ा, साइंस को पढ़ा और समझा सही मायने में जो गॉड है, द विजन ऑफ गॉड क्या है, यूनिवर्स कैसे बनता है, ये सब नए नए क्वेश्चंस उठने चालू हो गए। तो यहाँ पे किताबें लिखनी चालू हो गई थी और 7th सेंचुरी के अंदर बहुत से ग्रीक कल्चर्स के लोग थे, यानी कि ग्रीक के लोग। दोस्तों आप देख सकते हैं इजिप्ट के आगे यहाँ पे इटली पड़ता है, जहाँ पे बाइजेंटाइन साम्राज्य था, ससीरियन एम्पायर यहाँ के इलाकों में था। यहाँ के जब बड़े बड़े फिलासफर्स ने, साइंटिस्ट ने बहुत सारी भाषा, अपनी भाषाओं के अंदर किताबें लिखनी चालू करी और गॉड्स के एमर्जेंस की बात करी और बताया कि गॉड कैसे होते हैं या गॉड क्या है या फलाना ढिमकाना या अपने से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो सभी चीज़ें इन्होंने लिखनी चालू करी। तो दोस्तों उसी टाइम पीरियड पे अरब की कंट्रियों ने कोशिश करी कि इनकी किताबों को ट्रांसलेट करवाया जाए और साथ में अपने देशों के अंदर इनकी नॉलेज शेयर करी जाए। इसलिए आप ये देखेंगे कि उमियाद और अब्बासी खलीफाओं ने पूरी तरीके से ईसाई विद्वानों के द्वारा, क्योंकि जो किताबें लिखी गई थी वो तो अपनी ग्रीक लैंग्वेज में ही लिखी जाएगी, है ना, तो यहाँ यहाँ की जितनी भी किताबें थी या यहाँ की जितनी भी किताबें थी उनको उमियाद और अब्बासी लोगों ने पूरी तरीके से ग्रीक या सीरिया की पुस्तकों को अरबी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। और दोस्तों उसके अच्छे खासे पैसे भी दिए जाते थे। इन लोगों ने यहाँ ग्रीक या सीरिया की किताबें नहीं पर भारत की भी बहुत सारी किताबें थी जिन्हें इन लोगों ने ट्रांसलेट करवाया और अपने अरब की कंट्रियों के अंदर दोस्तों इसको मतलब फैलाने की कोशिश करी। तो समय समय पे बहुत सारे लोगों ने, जिसमें से अल मोमिन जो है 7th खलीफा थे अब्बासी के, उन्होंने तो स्पेशली अपने अपने टाइम पीरियड पे पुस्तकालय बनाया, जिसमें पूरी तरीके से बगदाद के अंदर काम ही यही था कि दूसरे देशों के स्कॉलर्स जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उनके द्वारा जो किताबें लिखी गई है अरबी किताबें उनको ट्रांसलेट करी जाए। जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जिसे आप अरस्तू बोलते हैं, अरस्तुर इंग्लिश में से अरिस्टोटल बोला जाता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, अरस्तू है। और दोस्तों टॉलमी है इनकी किताबों को, और दोस्तों साथ में और है जिसे आप यूक्लिड बोलते हैं, इनकी किताबों को ट्रांसलेट करवाया गया। और यही नहीं, हमारी इंडियंस की भी बहुत सारी किताबें थी जो किताबें उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ में आती थी, उन सभी किताबों को, गणित को, साइंस को, बहुत सारी किताबों को एडिट करवाया गया। अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग लोग आए जिन्होंने बहुत सारी किताबों को, कहानियों को, ग्रंथों को, या मैं बोल सकता हूँ मेडिसिन से रिलेटेड, या मैं बोल सकता हूँ साइकोलॉजी फिलॉसफी से रिलेटेड बहुत सारी किताबें लिखी थी, उनको ट्रांसलेट करवाया गया। खुद अरबी के अंदर बहुत सारी किताबें लिखी गई थी जो बाद में ब्रिटिशर्स ने, या मैं बोल सकता हूँ कि रोमन साम्राज्य के लोगों ने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया होगा, है ना। जैसे आज डेट में हम लोग करते हैं दूसरे की किताबों को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन दे सकती है, है ना। तो दोस्तों ये इतना ही है इस पार्ट के अंदर। वीडियो के लास्ट पार्ट में मिलेंगे जो हमें ये बताने की कोशिश करेगा कि कैसे इस्लाम धर्म के अंदर जो आपका मतलब मैं कह सकता हूँ आर्किटेक्चुअल फॉर्म था, यानी कि जो मतलब कैसे घर बनते थे, क्या बनता था, उसकी शुरुआत अरब के अंदर कैसे हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी, ठीक है ना। तो वीडियो के अंदर इतना ही है। आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस पार्ट एंड लेट्स मीट इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।